की क्या जरूरत, दुख ना हो सुख की क्या जरूरत। पहले हमें भूख लगती है तब भोजन की आवश्यकता होती है, पहले प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है, पहले रोग लगता है तो दवा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार हम दुखी हैं, उस दुख को मिटाने के लिए ही हमें स्वर्ग, मोक्ष, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा की आवश्यकता होती है। और दुख ना होता परमात्मा लेकर भी क्या करोगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को हो। दुख से हम परेशान हैं, उस दुख को हमें दूर करना है, उसके लिए अनेक साधन है। जिस किसी प्रकार से, तो बात यह है हम दुखी हैं और दुख के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। दुख ना हो तो परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में एक कहानी याद आ गई, कहानी आपको याद होगी, फिर से मनन करें। एक व्यक्ति एक जगह गया था, एक बड़ा सा ऊंचा पेड़ था, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। फलों को देखकर उसके मन में लोभ आया, तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जिस किसी पर चढ़ को गया, चढ़ने पश्चात जब नीचे झांका तो देखा कि बहुत गहरा है, उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा, मन में भय हुआ कि उतर नहीं पाया, पैर फिसल गए तो गिर पड़ूंगा, तो हाथ पे टूट जाएंगे, भय हुआ। और आदमी को जब